मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये एक ऐसे अमरीकी डॉक्टर की कहानी है जो देहरिया था, लेकिन एक दिन की छोटी सी बच्ची ने उसे मुसलमान बना दिया और पूरे आलम इस्लाम का बहुत बड़ा स्कॉलर भी बना दिया। इस डॉक्टर का नाम लॉरेंस प्रॉन है। ये 1959 में फ्रांसिस्को में पैदा हुए। खानदान जद्दी पुश्ती ईसाई था। ये शुरू से ही मजहब से बहुत ज्यादा बागी थे, इसलिए ये एक मनमौजी इंसान थे। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आला डिग्रियां हासिल की। कॉर्नल यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन आर्ट एंड साइंस की और ब्राउन यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में डॉक्टरेट की। ये तालीम मुकम्मल करने के बाद दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हुए। ये एयरफोर्स में भी रहे और मशरक वस्ता में मेडिकल, डेंटिस्ट और आंखों के शोबे के सरबराह भी रहे और इसके साथ साथ ये हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी रहे। ये वहाँ काम करते थे, ये किसी भी मजहब पर यकीन नहीं करते थे। साइंस और तहकीक को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मानते थे। आम महफिलों में ये कहा करते थे कि मजहब किसी किस्से, कहानी और दास्तानों के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर इनकी जिंदगी में दो हैरान कुन वाकयात पेश आए और इनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। पहला वाकया 1990 के शुरू में पेश आया। ये इनकी बड़ी बेटी कृष्णा की पैदाइश थी। ये जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल में पैदा हुई। डॉक्टर लॉरेंस ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, बच्ची उठकर अपनी टांगों पर, अपने पांव पर खड़ी हो गई। मेडिकल साइंस के पास इस मौजजे का कोई जवाब नहीं था। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये बिल्कुल सोचने की बात है कि एक दिन की बच्ची कैसे खड़ी हो गई और वो भी अपनी खुद की टांगों पर। ये वाकया ही एक मौजजे से कम ना था। डॉक्टरों ने इस वाकये को मुश्किल सी टर्म में तब्दील कर दिया और इसे क्रेसीना सिंड्रोम का नाम दे दिया। डॉक्टर लॉरेंस ने भी इसे मेडिकल साइंस का एक कारनामा करार दे दिया और ये अपने अकायद का प्रचार करते रहे। दूसरा वाकया कृष्णा की पैदाइश से 10 माह बाद पेश आया। 10 अक्टूबर 1990 को अल्लाह ताला ने इन्हें दूसरी बेटी हिना अनायत की। ये बच्ची पैदाइशी तौर पर दिल की खौफनाक बीमारी का शिकार थी। बच्ची सर से पांव तक नीली पैदा हुई थी। ये नीला रंग साबित करता था कि बच्ची का खून ऑक्सीजन जज़ब नहीं कर रहा। बच्ची को पैदाइश के फौरन बाद ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। एक्सरे हुआ, पता चला कि बच्ची के सीने में दिल की मरकजी नाली बंद है। डॉक्टर लॉरेंस खुद भी डॉक्टर थे और अस्पताल के डायरेक्टर भी थे। वो जानते थे कि बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी होगी, पूरा सीना खोल दिया जाएगा और दिल की मरकजी रग काट कर इसमें आरजी नाली लगाई जाएगी। ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन होगा, बच्ची इसमें बच नहीं सकती। अगर बच गई तो नाली ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेगी। बच्ची 2 या 3 वर्ष बाद फिर से ऑपरेशन के साथ गुजरेगी। अगर ये उसमें भी बच गई तो भी ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगी। ये बीमारी इसे 4 या 5 बरस तक माँ बाप से छीन लेगी। डॉक्टर बच्ची के मुस्तकबिल से वाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल ने न्यूयॉर्क का बेहतरीन हार्ट सर्जन बुलाया और उस बच्ची को हार्ट सर्जन के हवाले कर दिया। डॉक्टरों की टीम भी हॉस्पिटल पहुंच गई, बच्ची को ऑपरेशन थिएटर ले गए और सर्जन अपने आलात सीधे करने लगे। डॉक्टर लॉरेंस परेशानी की हालत में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और बेचैनी से कॉरिडोर में टहलने लगे। टहलते टहलते आखिरी सिरे तक जा पहुंचे। अस्पताल की इंतजामिया ने मरीजों के लवाहिकीन के लिए अस्पताल में दुआ का कमरा मुख्तिस किया हुआ था। ये फकत एक कमरा था, कमरे में दीवारों और कलीन के अलावा कुछ भी नहीं था। लवाहिकीन वहाँ आते थे और अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते थे।
डॉक्टर लॉरेंस दुआ के कमरे के सामने पहुंचे, जूते उतारे और कमरे के अंदर दाखिल हो गए। ये जिंदगी में पहली बार दुआ के लिए किसी इबादतगाह में दाखिल हुए थे। वो दीवार के पास घुटनों के बल बैठे मन्नत की पोजीशन में हाथ बांधे और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी की, ऐ खुदाया अगर तुम हो तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत है और मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर मेरी बेटी बच गई, सेहतमंद हो गई तो मैं वो मजहब इख्तियार कर लूँगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो बार बार ये कह रहे थे और आंसू साफ कर रहे थे। ये सारा अमल 15 मिनट पर मोहित था। वो 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर पहुँचे और हैरान रह गए। सर्जन एक कोने में परेशान खड़े थे और ऑपरेशन की टीम हैरत से एक दूसरे को देख रही थी, जबकि बच्ची अपना अंगूठा मुंह में देकर प्यारी आंखों से कभी दाएं तो कभी बाएं देख रही थी। हिना ऑपरेशन और दुआ के बगैर अचानक ठीक हो गई थी। बच्ची का दोबारा एक्सरे हुआ, पहला और दूसरा एक्सरे एक दूसरे के सामने रखे गए और डॉक्टरों के मुंह से चीख निकल गई। दोनों एक्सरे एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। पहला एक्सरे इंतहाई बीमार बच्ची का था, जबकि दूसरा एक मुकम्मल और सेहतमंद बच्ची का था। सब हैरान थे, सब ही परेशान थे और सब इस मौजजे की वजह जानना चाहते थे, मगर सिर्फ डॉक्टर लॉरेंस इसकी वजह और मौजजे को जानते थे। बच्ची चंद दिन मजीद अस्पताल रही और फिर घर वापस आ गई। इस वक्त ये बच्ची मेडिकल डॉक्टर है और मुकम्मल सेहतमंद है और शानदार जिंदगी गुजार रही है। डॉक्टर लॉरेंस को हिना के मौजजे ने यकीन दिलाया था कि खुदा भी मौजूद है और ये इंसानों को मौजजे भी दिखाता है। डॉक्टर लॉरेंस को अपना वादा अच्छी तरह याद था। ये अल्लाह के पसंदीदा मजहब की तलाश में निकल पड़े। ईसाइयत का मुतालिया किया, यहूदी किताबें पढ़ी, हिंदुओं के पास भी गए, कोई भी मजहब इनके दिल को ना छू सका। ये इंतहाई पढ़े लिखे और वसील मुतालिया शख्स थे। ये हर वक्त लातादाद सवालों से लोडेड रहते थे। एक दिन चलते चलते एक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद की दहलीज पार करने की देर थी, इनकी रूह में छोटा सा चिराग जल गया। ये मस्जिद की दीवार चूम कर वापिस आ गए। कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जमा सीखा और पढ़ा और फिर इनकी रूह रोशन हो गई। ये कुरान के साथ साथ तौरात अंजील का मुतालिया भी करते रहे। कुरान मजीद मुकम्मल हुआ तो पता चला इस्लाम ही वो मसलक था जिसे ये 4 साल से तलाश कर रहे थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतवज्जा हुए, सीरतुन नबी की किताबें पढ़ी और उनके अंदर फिर नूर ही नूर जमा होता गया। डॉक्टर लॉरेंस को हिदायत मिली और ये 1994 में मुसलमान हो गए। ये अब मरीजों का इलाज करते हैं, इस्लाम का मुतालिया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और तबलीग का काम सर अंजाम देते हैं। ये 6 किताबें तहरीर कर चुके हैं। इनका एक नावल दुनिया के बेस्ट नॉवेल्स में शुमार किया जाता है। ये नावल चर्च की तारीख, मजहब और रूहानियत का खूबसूरत इम्तजाज है। ये इस्लाम पर लेक्चर्स भी देते हैं। ये अपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि अल्लाह इंसान को अपनी तरफ 2 तरीकों से बुलाता है। ये पहले कृष्णा जैसे मौजूदों से हैरान करता है और इंसान अगर इस पैगाम को सुन ले और समझ जाए और अल्लाह की तरफ आ जाए तो सुबहान अल्लाह, लेकिन अगर इस पैगाम को मुस्तर्द कर दे तो इसे बुलाने के लिए अल्लाह हिना जैसी कॉल देता है। चुनाचे जब भी आप अल्लाह की पहली कॉल सुने तो दौड़कर उसकी तरफ निकल जाएं। मौजिद खवातीनों हजरात, ऐसे बहुत से वाकयात और मौजा से कुतब भरी पड़ी हैं, मगर सिर्फ थोड़ा सा मुतालिया और जायजा करने की देर है कि अल्लाह पाक की कुदरत के करिश्मे आपके दिल में खुलने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम इंसानों को सच्चे इस्लाम और दीन की तरफ राग़ब करे। आमीन सुमामीन।